Hi guys, welcome back to my channel My Simple World. So as you all know, this is a shadi season nowadays, and if you want to see how I created this look, please keep on watching. So I'm starting off with my eyebrows. मैं एक आईब्रो पेंसिल की मदद से आईब्रोज को शेप दे दूंगी और स्पूली की मदद से उसको स्मज कर दूंगी। अब मैंने कंसीलर ले लिया है, एक ब्रश की मदद से उसको आईब्रो के ऊपर और नीचे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। और यही कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने एक ट्रांजिशन शेड ले लिया है टार्ट पैलेट से और उसको मैं पूरी आईलिड पे अप्लाई कर दूंगी ताकि जो मैंने कंसीलर से एक बेस रेडी की थी वो सेट हो जाए पाउडर से। और अब यहाँ पे मैंने एक पिंक आई शेड ले लिया है बॉडी शॉप का और उसको मैं क्रीज में अप्लाई कर दूंगी और अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा हार्श लग रहा है लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड इन हो जाएगा जब मैं और कलर्स भी इसके साथ अप्लाई करूंगी। और अब मैं हुदा ब्यूटी से ब्लू कलर ले रही हूँ टू अप्लाई ऑन माय लोअर क्रीज and blend these two colors together. Blending is the key. Take your time to blend out each and every color. अभी सेम पैलेट से मैं येलो कलर ले लूंगी और इसको सेंटर ऑफ द आईलेट पे अप्लाई कर दूंगी और उसको अच्छे से ब्लेंड भी कर दूंगी सो दैट तीनों कलर्स एक दूसरे में ब्लेंड हो जाए, अलग अलग से लाइंस नज़र नहीं आनी चाहिए। अभी यहाँ मैंने आईलाइनर अप्लाई कर दिया है और ये मैं स्टिला के ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ इन आई थिंक डायमंड डस्ट कलर। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कलर्स और पैलेट नेम मेंशन कर दूंगी। यहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है अंडर आईज में और जो भी स्पॉट्स हैं उस पर और ये फाउंडेशन अप्लाई कर दी है और इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने बेका का लिक्विड हाइलाइटर लिया है, इसको मैं अप्लाई कर दूंगी ऑन माय चीक्स। और ये लूज पाउडर लेके अंडर आईज पे अप्लाई कर दूंगी और जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था। इसको मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि फिर बहुत केकी लुक हो जाता है। और ये कम से कम मैं लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ और ये सेम ब्लू कलर लेके मैं लोअर लैश लाइन पे लगा दूंगी। और अब न्यू पेंसिल मैं इनर आईज में अप्लाई करूंगी। और एक फैन ब्रश की मदद से अब जो लूज पाउडर अप्लाई किया था उसका
का एक्सेस जो है वो मैं रिमूव कर दूंगी फेस पे से, ताकि एक ड्यूई लुक आए, केकी लुक ना आए। और अब ये एक मस्कारा लेके इसको मैं लोअर लैशेस पे अप्लाई कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने टार्ट ब्लश पैलेट ले लिया है, इसे मैं ब्लश अप्लाई कर दूंगी। और इसी में से एक कंटूर कलर लेके उसको अप्लाई कर दूंगी। और अब हेयर स्टाइल के लिए मैंने यहाँ से बाल लिए हैं, इनको ट्विस्ट 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 करके एक बॉबी पिन अप्लाई कर दी है, फिर थोड़े से बाल लेके उनको ट्विस्ट 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 एंड देन वन मोर बॉबी पिन। और इस साइड से मैं एक सेक्शन लूँगी, उसको उठा के दूसरे सेक्शन को उसके पीछे कर दूँगी और फिर उसको निचले सेक्शन, इट्स लाइक अ फ्रंट ट्विस्ट। और फिर बाकी के बाल ट्विस्ट 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 कर लें और फ्रंट से थोड़े से लूज कर लें जितना आपको पसंद हो। इनको इस तरह भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे कि ये मेहंदी लुक है तो इनकी साइड ब्रेड कर लूंगी मैं। आई थिंक दिस वन लुक्स बेटर, सो आई विल वेयर दिस वन। So here I am ready. Hopefully you like the video and you like the tutorial. Hopefully it helped you. आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। If you haven't subscribed to my channel, what are you waiting for? Please go ahead and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Okay, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।